आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करते टाइम में एक ही मोबाइल नंबर में 3-4 पर्सन को ऐड कर चुके हैं, अगर वो पर्सन चाहता है कि हमें अलग कर दे आप अपने मोबाइल नंबर से, तो उसको जो है अलग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में यही तरीका बताऊँगा किस तरीके से उस पर्सन को मोबाइल नंबर ऐड करेंगे अपने मोबाइल नंबर में, अगर उस पर्सन को ऐड कर चुके हैं तो। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए, आप किस तरीके से सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से अगर आपका कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोई भी गलती हो गया है तो उसको आप कैसे करेक्शन करेंगे, एज कैसे करेक्शन करेंगे अगर गलती हो गया, फोटो आईडी कैसे करेक्शन करेंगे अगर गलती हो गया है, तो ईयर ऑफ बर्थ आप कैसे करेंगे अगर गलती हो गया है, तो ये सारे करेक्शन आप कैसे करेंगे इस सब पर मैं पहले वीडियो बना रखा हूँ। उस सब वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन के लिए, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप जो है किसी भी पर्सन में आप अपना ऐड कर चुके हैं, मेंबरशिप में ऐड कर चुके हैं उस आदमी के मोबाइल नंबर से, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना मोबाइल नंबर में ऐड करूं मैं अपना, तो वो आप कैसे करेंगे मैं आपको वही तरीका इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप किसी भी पर्सन में आप ऐड हैं पहले से, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना मोबाइल नंबर दूँ और हमें ऐड कर ले, मैं अब जब चाहूँ जब मैं उसको ओपन कर लूँ अपने साइट से और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करूँ, तो मैं आपको वही तरीका बताऊँगा किस तरीके से आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आपको कोई मेंबर ऐड कर चुका है, कोई भी पर्सन आपको ऐड किए हुआ है पहले से रजिस्ट्रेशन करते टाइम में, तो वो आप जो है मोबाइल नंबर डाल के, आप अपना मोबाइल नंबर डाल के आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं और आप जब चाहे तब अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर्सन को नहीं बोलना पड़ेगा कि हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दीजिए क्योंकि आप में मेरा ऐड है, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किस तरीके से मोबाइल नंबर चेंज करके आप जो है अपना खुद से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं आपको यही तरीका बताऊँगा इस वीडियो में कि अगर आप कोई भी पर्सन को ऐड कर चुके हैं, वो पर्सन चाहता है कि मेरा मोबाइल नंबर ऐड कर दे, चेंज कर दे आप अपना में से, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करते टाइम में अगर आप मेंबर को अपने मोबाइल नंबर में ऐड कर चुके हैं, तो उस मेंबर को कैसे अलग करेंगे, अगर वो पर्सन चाहता है कि हमें अलग कर दे मेरा मोबाइल नंबर ऐड कर दे, तो उसको आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, और ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइपिंग कर देना है कोविन। जैसे यहाँ कोड डाल रहा तो यहाँ पर देखिए कोविन का ऑप्शन आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने नीचे ढेर सारा जो ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाता है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए रजिस्टर एंड साइन इन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिए, इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आप पहले से रजिस्टर करने टाइम में दिए थे, तो यहाँ पर चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, मैं अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी अपना जो है ओटीपी 180 सेकेंड के अंदर अंदर में डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो है जिससे रजिस्टर किए हुए हैं साइट पे, वहाँ पे आप ओपन हो जाइएगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रजिस्टर कर रखा हूँ इतने मेंबर का, तो यहाँ पे जो है ये पेज जो है ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर देखिए मैं 4 मेंबर ऐड कर चुका हूँ, तो आप जो है एक मोबाइल नंबर से 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से किसी भी पर्सन को अब अलग करें उसके मोबाइल नंबर में, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको वही तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए राइज एंड इशू का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो है 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो ये ओके हो चुका है, मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। यहाँ देखिए
एक दो तीन चार पाँच। तो आपको मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि आप जो है किसी भी पर्सन के मोबाइल नंबर कैसे ऐड कीजिए, अगर आप अपने में ऐड किए हुए हैं तो। जैसे मैं आपको दिखाया हूँ कि मैं चार मेंबर को ऐड कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो मेंबर है उसका मोबाइल नंबर मैं ऐड करूँ और वो जो मेंबर है वो खुद से जो है मेरे भरोसे पे ना रहा है कि ये जो है हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देगा, बल्कि वो जो है खुद से भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है जब मैं इसका मोबाइल नंबर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ट्रांसफर एंड मेंबर टू न्यू मोबाइल नंबर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में ये जो है ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए मेंबर डिटेल और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ए मेंबर टू ट्रांसफर, आपको इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको मेंबर चूज कर लेना है कि कौन सा आदमी का जो है मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, उसका मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस पर्सन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि ट्रांसफर मेंबर और यहाँ पर देखिए कि ये जो आदमी है वो आदमी का जो इस नंबर में ऐड है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आदमी है उसका अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड हो जाए, मेरा मोबाइल नंबर जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो मेंबर है इसका यहाँ पर इंटर न्यू मोबाइल नंबर और यहाँ पर देखिए इंटर योर मोबाइल नंबर, तो इस पर्सन का मोबाइल नंबर आप इसमें डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ से इस मेंबर का जो है मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इस मेंबर का जो है मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है राइट वाले पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप कंटिन्यू वाले पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए उस मेंबर के मोबाइल पर ओटीपी दिया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर जो आपको जो टाइम दिया जाता है 180 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, तो वो आपको 180 सेकेंड में यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। तो ये जो नंबर चेंज किए हैं उसी पे आपको ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट रिक्वेस्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाता है। सबमिट करते ही उस पर्सन का मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा और आप जो ऐड किए थे मेंबरशिप में तो वहां से वो हट जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए न्यू मोबाइल नंबर वाले पे है, आपको क्लिक कर रहा हूं। तो पहले यहां पे जो है चार ऑप्शन आ रहा था, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए सेलेक्ट मेंबर टू ट्रांसफर है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ट्रांसफर वाले पे तो यहां पर देखिए अब तीन आ रहा है, पहले जो यहां पे चार आ रहा था। तो आप जो है वीडियो बैक करके पीछे करके देख भी सकते हैं। सो यहां से जो है वो पर्सन का नाम हट गया है। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप कोई भी पर्सन का यहां से अपने जो लॉगिन किए हुए हैं मेंबरशिप में ऐड किए हुए हैं उसको आप मोबाइल नंबर उस पर्सन का डाल के आप यहां से हटा सकते हैं और जब चाहे वो मेंबर अपना मोबाइल नंबर डाल के वो जो है लॉगिन हो सकते सर्टिफिकेट में करेक्शन कर सकते हैं या लॉगिन हो सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका से आप जो है मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी में पहले से रजिस्टर हो चुके हैं तो। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से वो पर्सन खुद से अपना मोबाइल नंबर डाल के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं और जो है उस पर्सन पे आशा भी नहीं रहना पड़ेगा कि वो पर्सन हमें लॉगिन करके देगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है बहुत ही आसानी से है आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं उस पर्सन से कह के कि मेरा मोबाइल नंबर न्यू मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ मेंबरशिप से, और आप खुद से भी अपना अलग हो के आप सब कुछ कर सकते हैं। सो गाइस ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है जहाँ से जाने के बाद जो है अपना मोबाइल नंबर उस पर्सन को दे के आप उस मेंबरशिप से आप अलग हो सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपने जाना इस वीडियो में किस तरीका से कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करते टाइम में अगर आप तीन चार पर्सन को अपने मोबाइल नंबर में ऐड कर चुके हैं तो आप उस पर्सन को मोबाइल नंबर आप कैसे अपने में से चेंज करके उस मेंबर का मोबाइल नंबर आप कैसे ऐड करेंगे, आपने इस वीडियो में अच्छी तरीके से सीख ही लिया होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।